जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जो बिवरणी मु आपण मानक देवाक जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टु बेनिगोपाल स्वामी महाशय द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 4 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग। ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन माध्यमरे आम समस्तंकु पुरुषोत्तम प्राप्ति जोगर दिग्दर्शन देउछंती। परमात्मा कहुछंती, हे अर्जुन, यही समस्त सृष्टि श्रीमन्नारायण ठारु उत्पन्न, जिए देवत्वर सर्वोच्च व्यक्तित्व अटंती। यही संसार रे अभिभूत आत्मा सन्निवेशित प्राण द्वारा उपभोग करुथिबा आनंद एवं यही भोगर सृष्टि आत्मा मानंकर आग्रह सबुदिन पई चली थाए। ये सबुर मूल कारण हेउछंती श्रीमन्नारायण। तेणु ये श्रीमन्नारायण आश्रय नेबा उचित। केवल सेतेबले जणे एही बंधनरु मुक्त होइबो जेतेबले सर्वोच्च बासस्थान पाइब जेउठारु आउ ए जगत को फेरिब नाही। एहा कही श्रीकृष्ण परमात्मा या स्पष्ट करुछंती जे जन्म ओ मृत्युर चक्ररु एवं संसार गच्छरु मुक्ति पाइबा पई आमे केवल तांकठारे आश्रय नेबा उचित। जन्म ओ मृत्युर चक्ररु मुक्ति पाइबा पई श्रीकृष्ण परमात्मांक शिक्षा उपरे ध्यान करिबा बेले आसंतु श्रीकृष्ण परमात्मा श्रीमन्नारायणक निकटरे आत्मसमर्पण करिबा ओ श्रीकृष्ण परमात्मांकर शब्दकु सबुबेले मन रखिबा। जय श्रीमन्नारायण। परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवद गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय 18 एवं श्लोक 65-70 वर्णना करछन्ति। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति, सेही व्यक्ति माने मोर अति आपणर, जेउ माने मोर एही 8 उपदेश को मानन्ति आउ पालन करन्ति, मु मोर सेही भक्त मानंकु सदा सर्वदा रक्षा करे, जेउ माने मोर एही उपदेश को मानन्ति एवं सेमानंक जीवन रे प्रतिपादित करन्ति। भगवान श्रीकृष्ण ठारु संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान शुणिला परे अर्जुन कहिथिले, करिसे वचनम तवा, अर्थात हे श्रीकृष्ण, मु आपणकर प्रतिटि वाक्य ओ उपदेश को पालन करिबि। तार फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकारर विजय ओ सफलता प्रदान करिथिले। आसंतु सेही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्ण पाखरे यही 8 वाक्य पालन करिबा पई प्रतिज्ञा नेबा। आपण माने यही वाक्य को मन और हृदय रे ध्यान करंतु। ध्यान करिबा समय रे भगवान श्रीकृष्णकर छवि को मन मंदिर रे रेखांकित करंतु। जय श्रीमन्नारायण। यह हेउची सेही 8 वाक्य जहाँ को आमे माने प्रतिज्ञा नेबा। हे श्रीमन्नारायण, आपणको निर्देश अनुसारे मु सदा सर्वदा आपणको ध्यान करिबी।
हे श्रीमन्नारायण मु प्रतिटि मुहूर्तरे मो हृदयरे आपणक भक्ति अर्घ्यकु प्रज्वलित करि रखिबि। हे श्रीमन्नारायण मु मो जीवनर समस्त कर्म आउ आपणक सेवारे नियोजित करिबि। हे श्रीमन्नारायण आपणक प्रतिटि वाक्य ओ उपदेशरे मोर प्रगाढ़ विश्वास अछि आ मु संपूर्ण भावे निजकु आपणक पाखरे समर्पण करुछि। मु सदा सर्वदा मोर दुई हाथ जोड़ी आपणको श्रीपदरे प्रणिपात करुछि। हे श्रीमन्नारायण मु सर्वदा आपणक वाक्य ओ उपदेशकु मन मंदिररे साहित्य रखिबी जेमितिकि माम एकम शरणम ब्रज अर्थात मु सर्वदा आपणक शरणरे ही रहिबी। हे श्रीमन्नारायण आपण कहिथिबा वाक्य मा सुचा एही वाक्यकु सर्वदा मने रखिबी। आपणक आश्वासन अनुसारे मु सर्वदा आपणक सत्ताकु अनुभूति करिबी ताद्वारा मु निजकु भय ओ दुख ठारु दूरे रखिपारिबी। हे श्रीमन्नारायण आपण संसारर कल्याण पाई श्रीमद् भगवत भळी जेउ महान ग्रंथ प्रदान करछंती मु प्रतिदिन गोटिए श्लोक पठन करिबी अथवा शुणिबा पाई प्रतिज्ञा नेउछि। हे श्रीमन्नारायण आपण प्रतिटी मनुष्यर कल्याण पाई आउ दुखकु हरण करिबा पाई जेउ श्रीमद् भगवत भळी महान ज्ञान प्रदान करिछंती तार प्रचार ओ प्रसार पाई सदा सर्वदा चेष्टा करिबी। हे श्रीमन्नारायण आपणक प्रतिटि वाक्य एवं उपदेशर पालन करिबा संगे संगे मु मोर दैनदिन व्यवहार रे ताहाकु प्रतिपादित करिबी। मु मो जीवनर प्रतिटि कर्म आपणको समर्पण करिबी। मो प्रभु श्रीमन्नारायणक ठारे मोर निष्ठा ओ भक्ति सर्वदा प्रज्वलित करि रखिबि। जय श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तवा। हे श्रीकृष्ण मु आपणक प्रतिटि गीता उपदेश आउ निर्देशकु मो जीवनर प्रतिटि कर्म रे संपादना करिबि ओ आपणक पादकमळरे मोर भक्ति यज्ञ प्रदान करिबि। जय श्रीमन्नारायण। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ओम ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भक्तमानंकु एक विशेष अनुरोध। भक्तवृंद आम जीवन रे आमे समस्त कामरे शीघ्र ओ यथार्थ फल पाइबा पाई आशा रखिथाउ। एही फल प्राप्ति करिबा पाई आसंतु प्रतिदिन गोटिए मिनिट आमे नारायण अस्त्रम पाठ करिबा किंबा शुणिबा। नारायण अस्त्रम पठन करिबा पाई दया करी www.narayanastram.org वेबसाइट कु जानतु। ए वेबसाइट रे आपणक ईमेल दे रजिस्टर करंतु। तापरे आपण माने ईमेल द्वारा एक पीडीएफ फाइल पाइबे। यही पीडीएफ फाइल रे गोटिए रामायण श्लोक गोटिए गीता श्लोक
ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମମ୍ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।